दोस्तों, चुंबक के साथ तो हम सभी ने कभी ना कभी खेल खेला ही होगा, और इसका नाम सुनते ही हमारी बचपन की यादें भी ताजा हो जाती हैं कि कैसे हम दो चुंबकों को एक दूसरे के पास लाकर आपस में चिपका देते थे या फिर उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाते थे। और सबसे ज्यादा मजेदार तो ये बेलन वाले चुंबक हुआ करते थे। अब आपको तो पता नहीं, लेकिन हमारे बचपन में हमने चुंबक के साथ बहुत खेला है। इसका स्कूल में अलग ही क्रेज हुआ करता था। जिस किसी के पास भी इस तरह के बेलन वाले चुंबक होते थे ना, वे तो खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझते थे। पर चुंबक के साथ इतना खेलने के बाद क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि आखिर उन्हें बनाकर तैयार कैसे किया जाता है, किस तरह ये चुंबक एक दूसरे से आपस में चिपक जाते हैं? तो दोस्तों, अगर आपके मन में इस तरह के इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको चुंबक के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना एक पल की देरी किए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, चुंबक एक ऐसा धातु है जो कि ना सिर्फ लोहे वगैरह में चिपकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल कई सारी अलग अलग चीजों में किया जाता है। फिर चाहे वो फोन का स्पीकर हो या फिर एयरफोन, यहाँ तक कि बड़े से बड़े डिवाइस में चुंबक का इस्तेमाल होता है। जिससे ये बात तो तय है कि चुंबक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो चीज इतनी ज्यादा जरूरी है, उसके बनने के तरीके के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं, है ना? तो दोस्तों, चुंबक को बनाने के लिए सबसे पहले उसका सांचा तैयार किया जाता है, जिसके लिए इस धातु के बने मोल्ड में रेत को भर दिया जाता है और फिर इसे बाहर निकालकर जितना भी एक्स्ट्रा रेत होती है उसे हटा देते हैं। अब ये जो सैंड शीट होती है ना, इसे पंचिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर इसमें कुछ केमिकल्स रेत के साथ मिलाए जाते हैं, और जब इन पर प्रेशर लगता है तो ये एक ठोस सांचे के रूप में बदल जाते हैं। और इसी तरह अलग अलग डिजाइन वाले रेत के सांचों को तैयार कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिजाइन के सांचे बनकर तैयार हो गए, और अब इन्हीं के अंदर चुंबक को डाल दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले चुंबक को तैयार करना होगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि चुंबक को बनाना कोई आसान बात नहीं है। इसे बनाने के लिए कई अलग अलग धातुओं की जरूरत पड़ती है, जिसमें तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, लोहा, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसे तमाम धातुओं का मिश्रण यूज किया जाता है। इन सभी चीजों को सीमित मात्रा में एक इलेक्ट्रिक भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, और वहां पर इन सभी धातुओं को 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि 1600 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना ज्यादा होता है। इस तापमान में ये सभी धातु पिघल कर आपस में मिल जाते हैं। ये सभी धातु जब पिघल जाते हैं तो इन्हें उस रेत वाले सांचे में डाल दिया जाता है। ऐसा करने पर ये पिघले हुए धातु चुंबक के सांचे में चले जाते हैं और फिर अंदर जाकर ये चुंबक का आकार ले लेते हैं। पर बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब इनका तापमान धीरे धीरे घटने लगता है तो इन सांचों को इस तरह से उड़ेल दिया जाता है, और फिर इन सभी खांचों को हथौड़े से पीट पीट कर तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से केवल चुंबक बच जाता है, और फिर हाथों से चुनकर चुंबक को अलग कर दिया जाता है। पर दोस्तों, काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो चुंबक है ना, ये किसी के भी काम का नहीं है। अभी इसमें किसी भी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करे। इसलिए ये सारा काम होने के बावजूद अगर आप इस चुंबक का इस्तेमाल करके लोहे को चिपकाने की कोशिश करेंगे तो फायदा नहीं होगा। आप इसको देख सकते हैं, लोहा इसमें चिपक ही नहीं रहा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई, इतना सब कुछ करने के बाद भी चुंबक तैयार नहीं हुआ तो भला ये तैयार होगा कैसे? तो दोस्तों, चुंबक को चिपकाने वाला चुंबक बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस चुंबक को लोहे के दो बड़े प्लेट्स के ऊपर कुछ इस तरह से रख दिया जाता है। ये दोनों ही प्लेट्स मशीन से जुड़ी होती हैं, और ये मशीन इन दोनों लोहे की प्लेटों के जरिए चुंबक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करती हैं। और जैसे ही मशीन द्वारा चुंबक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर किया जाता है, वैसे ही ये चुंबक लोहे की बाकी धातुओं से चिपकना शुरू कर देती है। हालांकि जब मशीन नहीं रहती तो इन धातुओं से मिले मिश्रण को चुंबक बनाने का एक और तरीका होता है। ऐसा करने के लिए जो सांचे से निकले चुंबक होते हैं ना, जिनमें अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, उन्हें लोहे से बने पाइप के अंदर कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है, और फिर उसके चारों तरफ रेत को भर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स इस लोहे के पाइप में रेत को भर रहा है। रेत भरने के बाद इसे सीमेंट से सील कर दिया जाता है ताकि मैग्नेट बिल्कुल बीच में रहे, इधर उधर हिले डुले ना। सारा काम हो जाने के बाद इस पूरे लोहे के पाइप को अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। दोस्तों, जब ये लाल हो जाते हैं तो इन्हें भट्टी से तुरंत निकालने के बाद इस पाइप को एक मशीन में फिट कर दिया जाता है, और इसके बीच उस मशीन की मदद से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज वाले पाइप को डाल दिया जाता है।
फिर उस मशीन के द्वारा वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को पास किया जाता है और साथ ही साथ चुंबक को पानी से ठंडा कर दिया जाता है। ये सारी चीजें करने के बाद जब पाइप से मैग्नेट को निकाला जाता है तो ये पूरी तरह से चिपकने वाला चुंबक बन चुका होता है। दोस्तों, इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद जो चुंबक तैयार होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होती है। आपने देखा होगा बाजार में कुछ चुंबक बहुत ही लो मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं जो बहुत कम रेंज में चीजों को अपने अंदर चिपका सकते हैं, लेकिन कुछ चुंबक बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड वाले होते हैं जिनकी मदद से दूर से ही चीजों को चिपकाया जा सकता है, और इस तरह के प्रोसेस से बनने वाले चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होता है। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो जान लिया कि चुंबक बनकर किस तरह तैयार होता है, लेकिन आइए अब ये जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना वो सभी चुंबक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई हैं। हमारी पृथ्वी भी एक तरह से मैग्नेट की तरह ही काम करती है, तभी तो हम एक जगह पर खड़े रहते हैं, वरना हवा में तैर रहे होते। इसलिए हमारा चुंबक के काम करने के तरीके के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको ये बात पता होगी कि कुछ मटेरियल चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ चुंबक के प्रभाव में आने पर चुंबक जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और कुछ चुंबक से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं और कुछ पार्शियल मैग्नेट की तरह, और कुछ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसे जानने के लिए हमें मटेरियल्स को थोड़ा सा क्वांटम लेवल पर समझना होगा। अब ये बात आपको मालूम होगी कि जब चार्ज का फ्लो होता है तो उसकी विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है, और जब ये करंट का फ्लो किसी बंद कॉइल में होता है तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार कॉइल में एक मैग्नेटिक मोमेंट काम करने लगता है। किसी एटम को माइक्रो लेवल पर देखेंगे तो आपको बीच में एक न्यूक्लियस दिखाई देगा जिसका चक्कर इलेक्ट्रॉन्स लगाते रहते हैं। बीच में मौजूद एक एटम का न्यूक्लियस अपने एक्सिस पर घूमता रहता है, और इस न्यूक्लियस का चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास तो मूवमेंट करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी घूमते रहते हैं। और जब चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो होता है, जिसके कारण दोनों ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में एक मैग्नेटिक मोमेंट काम करने लगता है। और जब इन दोनों का रिजल्ट निकाला जाता है तो पता चलता है कि हर एक एटम पर एक मैग्नेटिक मोमेंट काम करता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक मटेरियल कई सारे एटम से मिलकर बना होता है और इन सभी एटम्स पर एक मैग्नेटिक मोमेंट काम करता है। इन सभी एटम पर लगने वाला मैग्नेटिक मोमेंट सिमिलर डायरेक्शन यानी कि एक ही दिशा में काम करता है, तो वो मटेरियल चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और ऐसा करने के लिए मटेरियल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज फ्लो करवाया जाता है। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपको बचपन की सबसे पसंदीदा चीज चुंबक से जुड़े हर एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।